तो टेक फैमिली आज अनबॉक्सिंग करेंगे रेडमी 13 5G स्मार्टफोन की। अगर इस स्मार्टफोन की बात करूं, ये स्मार्टफोन आपको तीन कलर में अवेलेबल देखने को मिल जाता है Amazon एंड Flipkart पे, एंड दो वेरिएंट में देखने को मिलेगा 6GB रैम प्लस 128GB एंड 8GB रैम प्लस 128GB। अभी बॉक्स की बात करते हैं कि आपको फोन की फोटो वगैरह कोई मेंशन नहीं की हुई, सामने आपको 13 5G देखने को मिल जाता है एंड हाईलाइट किया हुआ है स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 इसमें देखने को मिलेगा, जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होने वाला है, अभी आपको शो होगा। एंड 108 मेगापिक्सल के साथ आपको डुअल कैमरा देखने को मिल जाता है। एंड जो मेरे पास वेरिएंट है ना, मेरे पास 6GB रैम प्लस 128GB वेरिएंट देखने को मिलेगा एंड मैंने पिंक कलर में बाय किया है ये स्मार्टफोन। ठीक है, हाईलाइट आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएंगे, लेकिन मैं बॉक्स ओपन करता हूँ, वहाँ पर आपको शो कर दूंगा कि आपको बॉक्स में क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही है। अभी बॉक्स की अनबॉक्सिंग करते हैं। वैसे बॉक्स को मैंने पहले ही ओपन किया हुआ है, जब मैं ऑर्डर करता हूँ ना तो साथ में पहले ओपन करके चेकआउट कर लेता हूँ कि फ़ोन है भी बीच में के साथ में कि नहीं। ठीक है, तो अनबॉक्सिंग कर दी है, इस बॉक्स को यहाँ पर रखते हैं एंड बॉक्स में से एक बॉक्स आपको और देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको केस देखने को मिलेगा एंड आपको यूज़र गाइड मैनुअल वगैरह देखने, मैं आपको शो कर ही देता हूँ आपको साथ में। तो ये रही हमारी सिम इंजेक्टर पिन, आपको सामने देखने को मिल जाती है, पहले मैं गलत बोलने लगा था तो इसको भी साइड में रखते हैं। ये रहा हमारा केस, केस को बाहर निकालते हैं एंड ये रही हमारी क्विक स्टार्ट गाइड। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लेना, अगर आपको नहीं पढ़ना, वैसे इतना कोई कुछ होता नहीं है, बंदे को स्मार्टफोन यूज़ करना नॉर्मली आता है, हर घर में अभी स्मार्टफोन ही चलते हैं तो इसकी ज़रूरत पड़ती ही नहीं है वैसे। ठीक है, अगर इसके साथ वारंटी कार्ड होता है ना, कई स्मार्टफोन के साथ वारंटी कार्ड होता है तो इसको बॉक्स में ऐसे रख लिया करो, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि कंपनी वाले मांग लेते हैं अगर फ़ोन में कोई दिक्कत प्रॉब्लम आती है इन फ्यूचर। ठीक है, अभी ये इस केस की बात करूँ तो केस की क्वालिटी आपको ठीक मिल जाती है, लेकिन ये ब्लू सा आपको केस देखने को मिलेगा, प्रॉपर वाइट नहीं है एंड थोड़े समय बाद ये येलो पड़ जाएगा स्मार्टफोन का केस। ठीक है, 102 मंथ बाद ही ये केस जो है वो येलो पड़ने वाला है, ये चीज़ भी आप ध्यान में रख लेना। इसको भी अभी साइड में रखते हैं, देखते हैं फ़ोन को आपको बाद में दिखाऊंगा, लेकिन आपको अडैप्टर वगैरह भी साथ में दिखाना है यार। ये रहा हमारे नीचे हमारे रिंग आ जाती है केबल के साथ हमें मिल जाता है अडैप्टर। अबे इसको रखते हैं भी साइड में। तो ये रहा हमारा 33 वॉट के साथ आपको फास्ट चार्जर अडैप्टर देखने को मिल जाता है, ये केबल मिल जाती है, केबल एंड अडैप्टर की क्वालिटी आपको सही मिल जाती है। ठीक है, सही है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है इसकी यार। अभी इन दोनों को भी साइड में रखते हैं, स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग करते हैं, दिखाता हूँ मैं आपको पिंक कलर में हमारा रेडमी 13 5G स्मार्टफोन। खोल जा सिम। तो ये रहा हमारा स्मार्टफोन, आप स्मार्टफोन चेकआउट कर सकते हो, स्मार्टफोन सच में बहुत सेक्सी है, कलर वगैरह प्यारे हैं एंड अगर मैं इसकी बैक की बात करूँ आपको ग्लास बॉडी के साथ देखने को मिलेगा, प्रीमियम फ़ोन है, लाइट वेट है, कोई इतना हैवी नहीं है ये स्मार्टफोन। ठीक है, इतने बजट रेंज में, मतलब 10 से 11 हज़ार के प्राइस रेंज में आपको ग्लास बैक मिल रहा है। एक चीज़ मैटर करती है, बिकॉज मैंने इतने फ़ोन अनबॉक्सिंग किए हैं 10 से 11 एंड 15 हज़ार के बजट रेंज में भी, कई स्मार्टफोन ऐसे आते हैं जो कि आपको नहीं प्रोवाइड करते ये चीज़ें। अगर आपको ये चीज़ इसमें मिल रही है तो प्लस पॉइंट है, लेकिन स्पेसिफिकेशन भी मैटर करते हैं, देखते हैं रीबूट करते हैं। लेकिन सबसे पहले ओवरऑल बता दूं, आपको राइट हैंड साइड वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन यहाँ पर देखने को मिल जाता है। वेट, अभी फोकस में आएगा, अभी फोकस में आ गया। राइट हैंड साइड आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन मिल जाता है, यहाँ पर आपको मिल जाता है फिंगरप्रिंट स्कैनर। नीचे की बात करो आपको सिंगल स्पीकर देखने को मिल जाते हैं एंड आपको मिल जाता है चार्जिंग पोर्ट बिल्कुल सेंटर में। एंड लेफ्ट हैंड साइड की बात करूँ आपको सिम इंजेक्टर ट्रे देखने को मिल जाती है। अपर की बात करते हैं तो आपको 3.5mm जैक यहाँ पर देखने को मिलेगा, साइड में आपको मिल जाता है आईआर ब्लास्टर। कैमरे की बात करते हैं कि कैमरा कैसा होगा इस स्मार्टफोन का, तो डुअल कैमरा शेप आपको बैक में मिल जाती है, जो कि सच में इसकी लुक वगैरह इन्हांस कर देते हैं। एंड 108 मेगापिक्सल के साथ ये वाला कैमरा है, 2 मेगापिक्सल के साथ ये फालतू का कैमरा होगा एंड ये फ्लैश आपको साथ में देखने को मिल जाती है। अगर सेल्फी की बात करूँ, सेल्फी आपको इसमें मिल जाती है 13 मेगापिक्सल के साथ, जो कि पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलेगी इस स्मार्टफोन में। अभी रीबूट करते हैं, रीबूट करते करते ना थोड़ा सा टाइम लगता है तो वीडियो को आगे स्किप करूंगा, आप समझ जाना कि हाँ भी जब ये रीबूट हो जाएगा फिर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है,
तो भाई रीबूट अपना स्मार्टफोन हो गया, लेकिन रेडमी का स्मार्टफोन या रीबूट होने में ना टाइम बहुत लेता है आप सभी के सामने। अभी कितने पंगे हैं ना स्मार्टफोन में बंदे को पहले लेने पड़ते हैं। अभी स्मार्टफोन की बात करते हैं तो डिस्प्ले से स्टार्ट कर देते हैं, पहले देखूँ ब्राइटनेस फुल है कि नहीं। अभी ब्राइटनेस फुल नहीं है, अभी हो गया हमारी ब्राइटनेस फुल। अगर डिस्प्ले की बात करूँ इस स्मार्टफोन में आपको 6.79 इंच के साथ फुल एचडी प्लस एलसीडी देखने को मिलेगी। पंचोल डिज़ाइन है, गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन मिल जाती है, 120 रिफ्रेश के साथ है। 120 रिफ्रेश है तो आप सभी के सामने अभी इसकी डिस्प्ले सच में बहुत स्मूथ होने वाली है। कंटेंट वगैरह का एक्सपीरियंस आई थिंक अच्छा होगा, लाइक अगर आप नेटफ्लिक्स प्राइम वीडियो वगैरह देखते हो आपका एक्सपीरियंस अच्छा होने वाला है। कैमरे के अकॉर्डिंग तो मैंने आपको बताया था कि आपको 108 मेगापिक्सल के साथ मेन कैमरा देखने को मिलेगा एंड 13 मेगापिक्सल के साथ आपको यहाँ पर सेल्फी देखने को मिल जाती है। फोटो क्लिक आउट करके आपको दिखा देता हूँ कि कैसा है कैसा नहीं है। ये रहा हमारा बॉक्स, फोटो ले ली, आगे फोटो देखते हैं अभी फोटो। अभी कैमरा क्वालिटी ठीक है आप सभी के सामने है अभी, अभी बॉक्स की ओपन मैंने फ़ोटो ली है। कैमरा ठीक है लेकिन इसकी अलग से रिव्यू वीडियो बनाएंगे, ठीक है। अगर मैं बैटरी की बात करूँ इस स्मार्टफोन में आपको 5030 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, 33 वॉट के साथ फास्ट चार्जिंग मिल जाती है। मतलब 5000 mAh की बैटरी है तो एक दिन तो आपका स्मार्टफोन नॉर्मली इजिली चल जाएगा, वहाँ पर आपको दिक्कत नहीं आने वाली। हाइपर OS देखने को मिलेगा एंड एंड्रॉयड 14 पे ये स्मार्टफोन बेस्ड होने वाला है। अगर मैं CPU की बात करूँ इसमें आपको स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 देखने को मिलेगा जो कि 4 nm टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होने वाला है। वो मैंने आपको पहले भी बता दिया था, ठीक है, कि 4 nm टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है ये स्मार्टफोन। अभी फुल रिव्यू वीडियो बनाऊँगा इसकी, देखूँगा चेकआउट करूँगा कि स्मार्टफोन जो है वो गेमिंग के लिए कैमरे के अकॉर्डिंग या बैटरी के अकॉर्डिंग ये स्मार्टफोन कैसा है कैसा नहीं है, बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वैसे अभी Redmi 14 आ गया है तो, लेकिन फिर भी ये स्मार्टफोन अभी भी मार्केट में बिक रहे हैं। थोड़ा सा प्राइस इसका और कम हो जाएगा, अभी ये 10 से 11 हज़ार के प्राइस रेंज में मिल रहे हैं। मार्केट में इसका प्राइस 8-10 हज़ार हो सकता है, बिकॉज आगे दिवाली फेस्टिवल है, कम प्राइस रेंज में ये स्मार्टफोन मिल सकता है, तभी मैंने इस वीडियो को बनाया है। तो अगर आपको ये स्मार्टफोन बाय करना है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया, अगर आपको सिर्फ चैट करना है चैट भी कर सकते हो। अभी वीडियो को लाइक वगैरह करके जाना, बिकॉज ऐसे ही मैं अनबॉक्सिंग वीडियो अपने चैनल पे करता रहता हूँ। आई होप कि अभी आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कि नया स्मार्टफोन लेकर आएंगे, अनबॉक्सिंग करेंगे उस स्मार्टफोन की भी। सो थैंक यू।